करो, हमारी सेवा हाल करो, बहाल करो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। और आप देख पा रहे हैं कितनी भीड़, भीषण बारिश, तूफान, आंधी। इको गार्डन पे 91 दिन से धरना रत है UPPCL के 66 कर्मचारी। आप देख पा रहे मौसम का मिजाज इतना खराब है, यहाँ पे बहुत सारे हमारे दोस्त बीमार हो चुके हैं, अभी कुछ लोग हॉस्पिटलाइज गए हुए हैं। यहाँ पे बहुत कर्मचारी है, इनकी भी हालत खराब होने की दशा में है। तो आदित्यनाथ योगी से मैं कहना चाहूँगा, जबकि माननीय न्यायालय ने 20 माह पहले आपको रिक्त पदों पर समायोजित करने का आदेश दिया है, इन निर्दोष दंड वैध 603 कर्मचारी 3 साल सेवा करने के बावजूद भी माननीय न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया है। इस प्रदेश के मुखिया से निवेदन है कि आप माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करने की कृपा करें। जबकि प्रबंधन के किसी भी अधिकारी ने अभी तक इतनी सहमत नहीं दिखाई है कि इको गार्डन पे आंधी तूफान बारिश से 91 दिन से 603 कर्मचारी डटे हुए हैं। किसी भी आला अधिकारी ने हमारी सुख लेने की जहमत नहीं उठाई है, जहमत नहीं करी है अभी तक। मैं प्रबंधन के AK परिवार, जो एक ऐसा भ्रष्ट अधिकारी है, जो चीफ इंजीनियर से डायरेक्टर बना दिया गया है, जिसने 603 कर्मचारियों को सड़क पे ला दिया, उसकी गलत नीतियों के कारण इन कर्मचारियों को माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद भी समायोजन नहीं किया जा रहा है, उसके अड़ियल रवैये के कारण। माननीय ऊर्जा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, आप इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर समायोजन करने की कृपा करें। माननीय न्यायालय के आदेश को 20 माह हो गए हैं और 91 दिन से हमारा धरना चल रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।